नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों इससे पहले भी हम दो वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं जिसमें आपको 25-25 क्वेश्चन बताए गए हैं। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, उनसे आप काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ पर बताए गए हैं, आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए अभी ज़्यादा समय न गंवा के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो अर्थात जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे होंगे उनके लिए कैसा माहौल होना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करके। तो देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर क्या है जो पिछड़ा बच्चा होगा, जो वंचित होगा, अगर उसको क्या है अलग से वर्गीकृत कर दिया जाएगा तो अपने को क्या है अलग माहौल में पैदा हुआ माना जाएगा, ठीक है, उसको फील अच्छा नहीं होगा। तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है तो अच्छा व्यवहार कैसे सिखाएगा, ठीक है। सी है कि उन्हें उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो अगर ये वाला सी ऑप्शन है, अगर आप उसके सांस्कृतिक और जो भाषाई ज्ञान है उसको महत्व देंगे तो उसे लगेगा कि हाँ भाई ये सभी लोग अपने हैं, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उसको एक अच्छा फील होगा और वहाँ पर क्या है अच्छे ढंग से वहाँ पर पढ़ पाएगा, ठीक है, उनसे अंतःक्रिया कर पाएगा। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीखे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, जो उसकी भाषा है उसकी भाषा भले कैसे ही भी हो उसको क्या है हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो फिर क्या है अपने को अलग महसूस करेगा। तो इसका क्या है सी ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। देखिए इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो होगा बी, कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर क्या होगा, जो बच्चे होंगे उनमें क्या होगा सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ये आवश्यक हस्तक्षेप होगा, मतलब उनमें जो क्रिएटिविटी होगी वो इससे क्या है निखर के आएगी। तो जो दो ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन है वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीन है कि शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या है। तो शिक्षक बनने की इच्छा, तो ये अभियोग्यता का अर्थ बिल्कुल नहीं है। शिक्षण कार्य में लगन, तो लगन का भी यहाँ पर मतलब नहीं है। शिक्षक का कार्य करने हेतु तो अपेक्षित सभी योग्यताएं, तो जो इसका सी ऑप्शन है वही सही होगा। कि अभियोग्यता का मतलब क्या है कि वो शिक्षक का कार्य भी कर सके और उसमें उसके लिए उसके पास सारी योग्यता भी होनी चाहिए उसके लिए। क्वेश्चन नंबर चार है कि एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, तो बिल्कुल सिखाना चाहिए, तो पहला ऑप्शन भी ठीक है। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोना, ठीक है, तो ऐसा भी बिल्कुल सिखाना चाहिए। समय का सदुपयोग करना और ये सभी सारे के सारे सिखाने चाहिए, तो डी ऑप्शन ही इसका सही होगा। देखिए दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं आप भी देखते रहिए कि आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो जरूर काउंट करते रहिए, आपके जरूरी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच है कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, तो पाठ्यक्रम केंद्रित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए शिक्षा। छात्र केंद्रित हो, तो बी ऑप्शन ही सही होगा कि छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। अगर क्या है शिक्षा बच्चों को छात्र को देखी हुई बनाई गई है या उसके अनुसार दी जा रही है तो बच्चों को क्या है वो आसानी से समझ में आएगी और फिर क्या है रोजगार, समाज केंद्रित, ये सारी चीज़ें अपने आप ही क्या है हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। अब देखिए जो डी ऑप्शन है सर्वांगीण विकास, तो उसमें ये सारे के सारे आ गए, तीनों ही ऑप्शन इसमें क्या है इंक्लूड हो जाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर सात है कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्यों को रखना चाहिए या छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि एवं योग्यताओं को रखना चाहिए, तो इसका पहला और दूसरा ऑप्शन है वो आपका सही बैठ रहा है, शिक्षण अनुसंधानों को। देखिए शिक्षण अनुसंधानों को यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्माण में ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब है जरूरी है कि शिक्षण अनुसंधान को जो नए नए अनुसंधान करके ही क्या है पाठ्यक्रम का निर्माण कराया जाए, लेकिन मुख्य रूप से क्या है शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा होना चाहिए और जो छात्रों की आवश्यकता है क्या आवश्यकता पूरी हो रही है, तो इस तरीके से जो पहला और दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा, अर्थात ए और बी दोनों डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, बाल साहित्य को या संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य, श्रव्य सामग्री। अब देखिए भाषा अगर सीखनी है तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है, बाल साहित्य किसे क्या है बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे, अच्छी बात है, दृश्य श्रव्य सामग्री से भी क्या है काफ़ी इंटरेस्ट लिया जाता है, लेकिन जो भाषा है भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया बहुत ज़रूरी है, सबसे सही यही है। अगर भाषा आप क्या है बच्चों से बातें ही कर रहे हैं उस लैंग्वेज में तो वो लैंग्वेज वो आसानी से सीख लेंगे, ठीक है, तो उसी भाषा में क्या है वो कई लोगों से बात करेंगे, तो बात करने से क्या है सामाजिक अंतःक्रिया करने से क्या है भाषा उतनी ही आसानी से जल्दी सीखी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है तो क्या महत्वपूर्ण कार्य है? भाषा का महत्वपूर्ण कार्य है संप्रेषण, ठीक है, लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान, ये सब बात की बात आती है। सबसे पहले है कि अपने विचारों को दूसरों के पास और दूसरों के विचार को समझ पाना ही क्या है, भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? तो देखिए भाई, बच्चों ने लिखित कार्य किया तो कब जांचना चाहिए? जब शिक्षक खाली समय मिले? नहीं, जैसे कार्य बच्चे करते हैं तुरंत अगर वो जांच दिया जाए तो बच्चों को क्या है, अभी अभी पता रहता है कि उनको क्या लिखा, क्योंकि बच्चे क्या है तुरंत तुरंत भूल जाते हैं शुरुआत में। तो अगर आप बहुत लेट करोगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने किस चीज़ के बारे में लिखा था। तो लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद, तो डी ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? तो प्रपुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव या खेल का मैदान। तो इसमें जो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है वो है खेल का मैदान। खेल के मैदान में क्या है, बहुत सारे बच्चे जब आपस में खेलेंगे, ठीक है, तो खेलेंगे, हारेंगे भी जीतेंगे, तो यहाँ पर क्या है, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होगी उन पर। रही बात प्रार्थना सभा, पुस्तकें वगैरह, इनमें क्या है, इनसे उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए, कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। तो मतलब सारे के सारे ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगितात्मक परीक्षण करके, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करके, उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे ट्रॉफी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो देखिए, अगर उसे क्या है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है तो उसके पास व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने पड़ेंगे, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सबसे सटीक होगा कि अगर उसको क्या है पर्टिकुलरली उसके पास कुछ लक्ष्य दिया जाए तो वो प्रोत्साहित होगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए बाल केंद्रित, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए या ए और बी दोनों के लिए? तो देखिए, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत किसके लिए है? महिलाओं और पिछड़ों के लिए। तो महिलाएं और पिछड़े में बालक भी अपने आप आ जाएंगे, जो पिछड़े होंगे बालक तो उसमें आ गए सी ऑप्शन, तो ए और बी दोनों है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है शिक्षक का मूल कार्य क्या है? तो शिक्षक का मूल कार्य क्या है, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, कि छात्रों को उनकी गलतियां बताना है, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है, या छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना है। तो देखिए, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना तो है ही शिक्षक का कार्य, छात्रों को उनकी गलतियां बताना भी है, लेकिन सबसे सही है कि अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, कि मेन तो फोकस क्या है, अध्ययन कराना है और इसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है, अर्थात शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करना है कि वो पढ़ने के लिए खुद तैयार हों। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाँ, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? कि सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षक का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा या घटिया स्तर की शिक्षा। तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण है वो है उद्देश्यहीन शिक्षा, कि हम जो शिक्षा पढ़ रहे हैं हमारा वहाँ पर उद्देश्य नहीं है फिक्स कि आखिर ये शिक्षा किसके लिए पढ़ी जा रही है, ठीक है, तो उद्देश्यहीन शिक्षा है कि आप बचपन से कुछ और पढ़ते रहते हैं और जब टेस्ट होता है तो वहाँ कुछ और ही आ जाता है, हाँ, तो इस तरह से ये उद्देश्यहीन शिक्षा ही तो है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक और प्रयोजनवादी। ठीक है, तो भारत अपने आप में लोकतांत्रिक देश है तो सभी चीज़ लोकतांत्रिक ही होनी चाहिए, तो इसका सी ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित शिक्षण विधियों में कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? भ्रमण विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, भाषण विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि। अब देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि वास्तविक अनुभव प्रदान करेगा, तो वास्तविक अनुभव कब होगा, जब आप रियल में ही प्रैक्टिकली टाइप का हो रहा है, मतलब भ्रमण कर रहे हैं, तो जब आप कहीं घूमेंगे तो वहाँ पर क्या है, आपको वास्तविक अनुभव मिलेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट, भाषण, ये केवल क्या है, सुनी सुनी चीज़ें हैं, पाठ्य पुस्तक या आप केवल सुन सकते हैं या उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन वास्तविक अनुभव कब होगा, भ्रमण विधि से, तो ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन ए है रटकर याद करने के लिए जिससे वो प्रतिस्मरण करने में अच्छे बने। तो देखो, रटने की विद्या तो बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है, तो रटने वाले तो शब्द कहीं आने ही नहीं चाहिए, तो ये तो बिल्कुल होगा। दंडात्मक उपायों का प्रयोग, तो दंड की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, तो दंड वाला भी बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। तो परीक्षा क्या है, परीक्षा एक छोटी सी चीज़ है, मतलब कि परीक्षा क्या है, मुख्य नहीं है बच्चों को,
तो परीक्षा में, परीक्षा के लिए भी क्या है, अगर अंक वगैरह प्राप्त करना है तो अध्ययन करने का मतलब क्या है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना क्या है, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, तो जो डी ऑप्शन है वही सटीक होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञात होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का, बालक कैसे सीखता है, बालकों की अभिरुचियों और प्रवृत्तियों का। तो देखिए सभी का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, विद्यालय और पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, या परिवार और पास पड़ोस। देखिए सबसे पहले जो सामाजिकरण होता है वो होता है परिवार से, फैमिली से होता है, तो जहां पर भी परिवार होगा वो तो हो ही नहीं सकता है गौण वाहक। ठीक है, वो मुख्य वाहक होगा, तो पहला ऑप्शन में परिवार नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कि ग्रामीण क्षेत्रों का के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, या ये सभी। तो इसमें होना चाहिए पहला वाला, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान हो जाएगा। ठीक है, इससे नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार अपने आप होगा, उच्च शिक्षा का प्रसार तभी हो पाएगा जब क्या है पहले सभी लोग पढ़ पाएंगे, सामान्य क्या है शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, क्या करते हैं, निष्पक्ष व्यवहार की करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सहानुभूति एवं प्रेम की भी करते हैं, योग्यता एवं ज्ञान की वो बात की बात है। ठीक है कि अब देखिए जो अध्यापक होगा उसके उसमें योग्यता होगी, ज्ञान होगा, लेकिन पहला निष्पक्ष व्यवहार और सहानुभूति और प्रेम, अर्थात ए और बी दोनों ऑप्शन सही, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आपको वीडियो के अंत में देना है कि क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाने चाहिए। तो चार ऑप्शन आपको देख रहे हैं, जो ऑप्शन सही है आप उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसका सही आंसर क्या है इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उसके जरिए आप वहां पर इसका सटीक आंसर पता कर पाएंगे कि 25वां क्वेश्चन का क्या जवाब है। तो दोस्तों ये हो गया आपके पास 25 क्वेश्चन आज के, और आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में घंटे का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।